हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गीता, आपका अपने चैनल क्रिएटिव मदर में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढोकला, जो बहुत ही फेमस गुजराती डिश है और सिर्फ 15 मिनट में आप मार्केट जैसा घर पर स्पंजी और सॉफ्ट ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उसका ध्यान रखें और चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम एक कटोरी या कप ले लेंगे, जिससे हमें सारे इंग्रेडिएंट के मेज़रमेंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले रखी है, इसी कटोरी से हम सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करेंगे। तो आप भी कोई कप या बर्तन इस तरीके से डिसाइड कर लें जिससे आपको सभी इंग्रेडिएंट का मेज़रमेंट करना है। तो इस कटोरी से ही मैं एक कटोरी यहाँ पर पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक कटोरी पानी डालने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक का डालेंगे, एक चम्मच हम चीनी डालेंगे, यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर डाली है, साथ ही एक चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच के करीब हल्दी डाल के अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे कुछ सेकेंड के लिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कटोरी ली है उसी कटोरी से हम 1 कटोरी बेसन लेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे पानी के साथ, ताकि गुठलियाँ ना पड़े। बेसन एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते रहना है। और यहाँ पर आपने बेसन जो लिया है उसे पहले छान लें। यहाँ पर मैंने छना हुआ बेसन लिया है, मैंने पहले ही इसे छान लिया था। तो आप भी छान कर ही यूज़ करें, इससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और बेसन और पानी के घोल को जब भी मिक्स करें एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। सारा बेसन डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से इसे फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे बैटर उतना ही ज़्यादा फ्लफी बनेगा और जो ढोकला बनकर तैयार होगा काफ़ी स्पंजी बनेगा हमारा ढोकला। तो यहाँ पर फेंट लिया है मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ढककर। तो ढोकला परफेक्ट बनाना है तो रेस्ट देना ज़रूरी है। तब तक हम यहाँ पर मैंने बाउल लिए है, इन्हें हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर से। आप चाहें तो केक टिन या फिर प्लेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं ढोकला बनाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रीस करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। और चलिए अब एक सिमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें एक हम फायर स्टैंड रखेंगे। आप चाहें तो प्लेट या फिर कोई कटोरी भी रख सकते हैं नीचे। साथ ही मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें। इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे पानी को उबलने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम एक बार बेसन का जो बैटर तैयार किया था वो चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और इसमें थोड़े से बबल्स भी आने लगे। तो इस तरीके का बैटर आपको तैयार करना है। अब इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आपको वही यूज़ करना है जिसका कोई फ्लेवर ना हो। ऑयल यूज़ करने का मेन रीज़न यही है कि जब भी हम ढोकला खाते हैं तो वो गले में लगता है और उसमें बेसन का टेस्ट आता है, तो बेसन के जो फ्लेवर होता है उसको इन्हेंस करता है ये। अब इसमें डालेंगे हम 1 पैकेट के करीब इनो फ्रूट सॉल्ट। तो इनो फ्रूट सॉल्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडे का 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। जैसे ही आप इनो को डालेंगे आप देखेंगे कि बैटर जो है बिल्कुल फ्लफी हो गया है। इनो और सोडा डालने के बाद हमें बैटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्का ही मिक्स करना है, 10 से 12 सेकंड बहुत है। और इसके बाद हम तुरंत इसे ग्रीस की हुई प्लेट या कटोरी में या फिर केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है, रखना नहीं है। कटोरियों में बैटर को डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कटोरियों को पूरा नहीं भरना, हमें इसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि जब ये बेक होगी तो ये फूल जाएंगे। एक एक करके हम स्टीमर में कटोरियों को रख देंगे। इनों को डालने के बाद आपको बैटर रखना नहीं है। सभी कटोरियों को रखने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे तरफ मैंने पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे हींग, 1 चम्मच हम डालेंगे राई का, साथ ही 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं। मिर्चों को आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 8-10 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए। इसके बाद हम 1 चम्मच चीनी का डालेंगे और 1 कप पानी डाल के इसे उबलने देंगे।
जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आधा चम्मच नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे लगभग एक चम्मच के करीब। तड़का तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, ढोकला चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक की सहायता से इस तरीके हम चेक करेंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, यानी कि हमारा जो ढोकला है बिल्कुल तैयार है। इसे हम निकाल के ठंडा कर लेंगे, 10 मिनट हम ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो ये देखिए 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इस तरीके से हम इसे उंगलियों की सहायता से प्रेस करेंगे साइडें इसकी, और एक प्लेट में आसानी से ये निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे ही निकाल लिए। जालीदार ढोकला बिल्कुल बनकर तैयार है हमारा। हाथों से इस तरीके से दबाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो ढोकला है कितना स्पंजी बना है। तो इस तरीके का अंदर से टेक्सचर देख लीजिए, जालीदार टेक्सचर है बिल्कुल। और जब हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि कितने स्पंजी और सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला। तो आप भी जब बनाएंगे तो आपका जो ढोकला बनेगा वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो इस तरीके से हम तड़के को पोर कर देंगे इसके ऊपर, और 15 से 20 मिनट के लिए तड़का पोर करने के बाद हमें इसे रखना होता है ताकि ढोकला अच्छी तरीके से तड़के को सोख कर ले। और जब आप उसे खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप मार्केट से लाया हुआ ढोकला ही खा रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।